सुप्त वज्रासन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडविज फिटनेस। आज हम करने जा रहे हैं सुप्त वज्रासन। ये वज्रासन का सेकंड वेरिएशन है, थोड़ा एडवांस वेरिएशन है। वज्रासन मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, अभी हम करेंगे सुप्त वज्रासन। पहले उसकी हम विधि देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है, फिर मैं आपको उसके साथ साथ उसके बेनिफिट्स भी गाइड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं सुप्त वज्रासन। सबसे पहले आप अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर खोल लीजिए, दंडासन में बैठ जाइए, कमर को सीधा रखिए। फिर एक एक करके अपने पैर को एक बार राइट और लेफ्ट को इस तरह से वज्रासन की स्थिति में पीछे लाएं। अंगूठा एक दूसरे से मिला रहे, दोनों हाथ आपके घुटनों पर, कमर एकदम सीधी, गर्दन सामने की ओर। और फिर सुप्त वज्रासन में आपको अपने पैरों को, जब आप हील पर बैठे होते हैं, हील से बीच की ओर पैरों को इस तरह से खोल लीजिए और कोहनी का सहारा लेते हुए अब यहां से देखना पीछे की ओर लेटते जाना है। और फिर अपने दोनों हाथों को गर्दन के नीचे इस तरह से रखते हुए आराम की स्थिति में लेट जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि जो आपकी बैक है वो ज्यादा आंक ना हो, मतलब ज्यादा नीचे की ओर पुश करना है उसे। वैसे आपको रिलैक्स मोड में स्टमक अंदर की ओर और हाथ पीछे। अगर आपको करने में दिक्कत हो तो नीज को थोड़ा आप और खोल सकते हैं ताकि थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए। ये आपकी पूर्ण स्थिति, मतलब सुप्त वज्रासन पूरी तरह से स्टेबल। और वापस आते हुए आपको कोहनियों का सहारा लेना है, बिल्कुल आराम से। ध्यान रखना है कोहनियों का सहारा इस तरह से लेते हुए आपको ऊपर की ओर आना है। और फिर वही स्थिति दोबारा से वज्रासन में आके एक एक करके पैरों को खोल देना है। सुप्त वज्रासन वज्रासन की तरह ही है, ये थोड़ा एडवांस वेरिएशन है। इसमें क्या होता है कि जिनको, सबसे पहले आपको वज्रासन बहुत दिनों तक लगातार करना है, उसके बाद ये सुप्त वज्रासन करें। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान रखें, और अगर आप ज़्यादा हैवी हैं, ज़्यादा मोटे हैं, तो सुप्त वज्रासन से बचें। ध्यान रखें जब आप लेटें तो आपको जो कमर है, जो आपकी कमर है हल्की सी आँख में आ सकती है, बट आपके शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हो नीचे की तरफ, गर्दन भी एकदम रिलैक्स, और नीचे जाते हुए कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। कुछ लोग बहुत गलतियाँ करते हैं वज्रासन करते हुए कि हील के ऊपर बैठते हैं, सबसे पहले जब वज्रासन बैठ के हील के ऊपर बैठ जाते हैं। आपको हील्स के ऊपर नहीं, हील्स को थोड़ा सा ओपन करके हील्स के बीचों बीच बैठना है। आपके जो हिप्स हैं वो हील्स के बीचों बीच आए। नीचे लेते बहुत जल्दी करते हैं, एल्बो का ना सहारा लेते हुए एकदम से पीछे लेट जाते हैं, तो वो भी गलत है। धीरे धीरे किसी एक्सपर्ट की राय में, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो एक्सपर्ट की राय के मुताबिक ही सुप्त वज्रासन करें। तो चलिए चलते हैं इनके फायदे पर। सुप्त वज्रासन में आप जब बैठते हैं तो आपकी पूरा खिंचाव आपके थाई से होते हुए आपके स्टमक और आपके अपर पूरा एकदम खिंचाव आता है बॉडी में, जिससे आपके थाईज भी टोन होती हैं, आपका स्टमक भी अंदर होता है और आपकी अपर बॉडी भी एकदम टोन होती है। जिनको अस्थमा है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, उनके लिए भी सुप्त वज्रासन बहुत ही बेनिफिशियल है। सुप्त वज्रासन नकारात्मक विचारों को भी दूर करता है। अगर आपको कुछ इस तरह के विचार आ रहे हैं तो अगर आप इस पोस्चर में आराम से लेटते हैं तो आपके विचार आना, जो और भी विचार हैं ज़रूरी नकारात्मक, कोई भी विचार आपको आना बंद हो जाते हैं और आप बिल्कुल आराम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। सुप्त वज्रासन से आपको बैक जो स्पाइनल है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, और आपको अगर साइटिका का पेन है तो वो भी काफ़ी रिलीव होता है। बट इसको एक्सपर्ट की राय में करें, अगर जिनको साइटिका का पेन है बिल्कुल आराम से, ज़्यादा ओवर स्ट्रेच ना करें। आप जब नीचे जा रहे हैं तो अपने नीचे पिलो रख सकते हैं, ज़्यादा अगर नीचे नहीं पहुँच पा रहे तो एक पिलो रख सकते हैं, तब उसके ऊपर आप लेट सकते हैं। जिनको शोल्डर इंजरी है, शोल्डर में इंजरी है या नेक में इंजरी है या एल्बो में कोई इंजरी है, तो ये सुप्त वज्रासन ना करें। सुप्त वज्रासन करने से आपके फेफड़ों तक काफ़ी ऑक्सीजन पहुँचती है, आपका जो ब्लड फ्लो है आपके सर की तरफ पहुँचता है, जिससे बुद्धि का विकास होता है, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। और सुप्त वज्रासन, ध्यान रखें कि आपको जिनको घुटनों में दर्द है, अर्थराइटिस है या बैक में कोई इंजरी है, शोल्डर में कोई इंजरी है, वो ना करें। और ये जिनको, जिनके शोल्डर झुके हुए हैं, उनके लिए सुप्त वज्रासन बहुत ही अच्छा है। वो उनके पोस्चर को काफ़ी क्लीन करता है, काफ़ी स्टेबल बनाता है और आत्मविश्वास जगाता है।
ध्यान रखें, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया है, या कोई ऑपरेशन हुआ है, या माइग्रेन है, तो आप ये आसन बिल्कुल ना करें। हाई बीपी में भी आसन आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है। तो ये अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, विधि और इनके फ़ायदों को देखते हुए आप इस आसन को ज़रूर कीजिए और किसी एक्सपर्ट की राय में कीजिए। थैंक यू सो मच, दोबारा मिलते हैं, धन्यवाद।